हेलो दोस्तों, आज हम फिर से आगे टिकटॉक के एक वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर, जैसा कि वीडियो देख सकते हैं, ट्रांजेक्शन इफेक्ट प्लस स्लो मोशन वीडियो टिकटॉक पे काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। यदि आप भी इस तरह के वीडियो बनाते हैं तो आपके वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा लाइक्स एंड व्यूज आ सकते हैं। तो इस तरह की वीडियो बनाने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे आपको दो वीडियो शूट कर लेना है। वीडियो जब भी शूट करेंगे तो आपके बैकग्राउंड में पेड़ पौधा ज़्यादा होना चाहिए, जैसा कि आपने वीडियो देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरह से वीडियो को शूट किया हूँ। वीडियो शूट करने के बाद वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैंने कैनवास एप्लीकेशन और एक ग्रीन स्क्रीन वीडियो का लिंक दे चुका हूँ, दोनों को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए, मेरा नाम शैलेंद्र है, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो के डिस्क्रिप्शन से कैनवास एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट करना है, मीडिया पे आना है, बैकग्राउंड पे क्लिक करना है, ब्लैक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे ब्लैक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लिया हूँ, इस बैकग्राउंड पे क्लिक करूंगा और वीडियो को अकॉर्डिंग आपको सेट कर लेना है। तो मैं फिलहाल में इसे 17 सेकंड के आसपास रहने देता हूँ। लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक ग्रीन स्क्रीन वीडियो का लिंक दे चुका हूँ, सिंपल आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट कर लिया हूँ, सेलेक्ट करने के बाद लास्ट पोजीशन पे आना है और एक्स्ट्रा पार्ट को हमें ट्रिम टू राइट कर देना है। ग्रीन स्क्रीन वीडियो कलर पे क्लिक करेंगे, स्क्रीन पे क्लिक करेंगे, फुल स्क्रीन में कर देना है। फिर से हमें ग्रीन स्क्रीन वीडियो कलर पे क्लिक करेंगे और नीचे की तरफ आना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है क्रोमा की का, सिंपल आपको इसे इनेबल करना है। इसे आपको कुछ इस तरह से एडजस्ट कर देना है। कलर की पे आपको ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लेना है। आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में आपको कुछ ब्लैक कलर है और इसके बाद सेकेंड टाइम यहाँ पे आपको ब्लैक कलर देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आपको दो वीडियो शूट करना है, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। मैंने ऑलरेडी वीडियो शूट कर चुका हूँ तो वीडियो को अगेन सेलेक्ट करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे वीडियो को सेलेक्ट कर लिया हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, जी आपके वीडियो में कोई भी एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट को कुछ ट्रिम टू लेफ्ट कर देना है। वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, कैची के निशान पे क्लिक करेंगे और लेफ्ट साइड का पार्ट एक्स्ट्रा, उसे हम ट्रिम टू लेफ्ट ऑफ प्ले हिट कर देंगे। वीडियो को प्रेस करके रखेंगे, लास्ट पोजिशन पर आपको लेकर आ जाना है। और आपके वीडियो में कोई एक्स्ट्रा पार्ट है तो एक्स्ट्रा पार्ट को भी रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, इस वीडियो को कहाँ तक रखना है, जहाँ तक आपको ब्लैक कलर दिख रहा है, यानी कि 3.0 के आसपास। इसके बाद इसे हम स्पीड 2 प्ले हिट कर देते हैं। वीडियो क्लिप पर क्लिक करेंगे, ओरिजिनल साउंड को म्यूट कर देना है। इसके बाद फिर से वीडियो क्लिप पर क्लिक करेंगे, स्क्रीन पर क्लिक करेंगे, फुल स्क्रीन पर कर देना है, 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और सेंड टू बैक कर देना है। अब आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद इस वीडियो क्लिप पर क्लिक करेंगे, सेकेंड टाइम यहाँ पर लेकर आना है और जहाँ से आपका ब्लैक कलर स्टार्ट हो रहा है तो इस पोजीशन में आपको लेकर आ जाना है, जहां से आपका ब्लैक कलर स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद लास्ट पोजीशन में आना है और एक्स्ट्रा पार्ट को आपको ट्रिम टू राइट कर देना है। वीडियो क्लिप पे क्लिक करेंगे, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, सॉरी वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे, इसे वॉल्यूम को आपको म्यूट कर देना है। इसके बाद 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, सेंड टू बैक कर देना है। वीडियो क्लिप पे क्लिक करते हैं, इसके बाद हम स्क्रीन पे क्लिक करेंगे, फुल स्क्रीन में कर देना है। इसके बाद जब हम फाइनली वीडियो प्ले करेंगे तो हमारा वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे, जो काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। सेटिंग पे क्लिक करना है, आईडियो फेड आउट ऑफ कर देना है, शेयर पे क्लिक करना है, HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने एक साउंड लिंक दे चुका हूँ, उसी वीडियो के साउंड पर वीडियो को अपलोड कर देना है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल सैलेंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यदि आप लोगों को किसी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पे वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।